हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार डायरेक्टर। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी वैगन आर LXi CNG मॉडल, जिसका एक शोरूम प्राइस है 4,64,000 रुपीज़, जो ऑन रोड पड़ता है 5,11,000 रुपीज़। और इसमें एक और ऑप्शन है LXi CNG ऑप्शनल मॉडल, जिसका एक शोरूम प्राइस है 4,83,000 रुपीज़, जो ऑन रोड पड़ता है 5,31,000 रुपीज़। हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो LXi CNG मॉडल है। CNG मॉडल सिर्फ बेस मॉडल्स में आता है, अपर वेरियंट्स में नहीं आता है। इस वाले मॉडल में आपको फ्रंट में पावर विंडोज़ मिलते हैं, रियर में नहीं मिलते हैं। और इसका स्टीरियो यूनिट भी नहीं आता है इस मॉडल में, नॉट इवन स्पीकर्स आप बाहर से लगवा सकते हैं। इसमें दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला ग्लव कूल बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, बेसिक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है विदाउट टैकोमीटर, एम्बर एलिमिनेशन के साथ। इसकी टॉप स्पीड है 152 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी बेसिक इनको मिलता है, टोटल किलोमीटर ट्रिप वन ट्रिप टू का, लाइक यू कैन सी टोटल इज 48 ट्रिप वन ट्रिप टू। यहाँ पे एक चेंज ओवर स्विच है फ्रॉम पेट्रोल टू CNG एंड CNG टू पेट्रोल। एक यहाँ पे हेडलैम्प लेवलिंग का बटन है। यहाँ पे कभी होल है छोटा सा कॉइन्स एंड स्लिप रखने के लिए। सिल्वर डोर हैंडल्स मिलते हैं लाइक अपर वेरियंट्स चारों डोर्स में। और ड्राइवर के साथ ऑटो का फंक्शन दिया हुआ है, ऑटो अप ऑटो डाउन का। ये फ्रंट मैप पॉकेट्स हैं, दोनों डोर्स में मिलता है ये। ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक है। जो LXi CNG ऑप्शनल मॉडल है उसमें आपको डुअल एयरबैग्स प्रोवाइड किया जाता है एडिशनल, लेकिन उसमें ABS नहीं मिलता है। ABS आपको LXi ऑप्शनल पेट्रोल वाली में ही मिलता है, CNG वेरियंट में नहीं मिलता है। फैब्रिक का पोल्ट्री है सीट्स में, डोर ट्रिम फैब्रिक है चारों डोर्स में लाइक अपर वेरियंट्स, और पीछे पावर विंडोज नहीं है। और इसके साथ एक लगेज पार्सल ट्रे भी मिलता है, CNG वेरियंट के लिए मिलता है ये LXi मॉडल्स में। अगर आप LXi पेट्रोल लेते हैं, LXi ऑप्शनल पेट्रोल लेते हैं, उसमें लगेज पार्सल ट्रे नहीं मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है चारों आगे और पीछे। ये कंपनी फिटेड CNG सिलेंडर है, 60 लीटर की कैपेसिटी है, IGBTIS टेक्नोलॉजी के साथ। 26.6 किलोमीटर पर KG कंपनी क्लेम करती है, और अगर आप इसको पेट्रोल में चलाते हैं तो 19.3 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम करती है कंपनी। इसका बूट स्पेस 180 लीटर्स का है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है CNG सिलेंडर के बाद। इसका कर्व वेट है 960 kg, अगर आप LXi विदाउट CNG लेते हैं तो वो 870 kg है। क्रोम बैजिंग मिलती है बैक साइड पे बेस मॉडल में भी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। इसका टायर साइज 13 इंची का है, 145/80 विदाउट व्हील कवर्स। इसमें 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, मिल्की सिल्वर, ग्लिसरिंग ग्रे, सुपीरियर वाइट, ब्रीज ब्लू, मिडनाइट ब्लू, पैशन रेड, एंड दिस इज बेकर्स चॉकलेट कलर। ये इसका फ्रंट लुक है, इस मॉडल में फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। और अगर आप CNG की जगह अगर LXi पेट्रोल या VXi पेट्रोल लेते हैं, उसकी 20.5 किलोमीटर पर लीटर है, वो सिर्फ कर्व वेट की वजह से आपका 1 किलोमीटर कम हो जाता है फॉर इन CNG वेरियंट्स। इसके देख सकते हैं आप, आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी ब्लैक हैं विदाउट टर्न इंडिकेटर्स। ये टिंटेड ब्लू हेडलैम्प्स हैं। दिस इज साइड प्रोफाइल ऑफ दिस मॉडल। इसका जो बे पिलर है वो भी ब्लैक टेपिंग के साथ नहीं आता है, ब्लैक साइड मोल्डिंग मिलती है। और ये 998 cc का इंजन मिलता है पेट्रोल में, जो प्रोड्यूस करता है 67 bhp एट 6200 rpm विद 19 Nm ऑफ टॉर्क एट 3500 rpm, एंड फॉर CNG 58 bhp एट 6200 rpm विद 77 Nm ऑफ टॉर्क एट 3500 rpm। इसकी माइलेज 26.6 पर kg आती है, 26.6 किलोमीटर पर kg। ARAE सर्टिफाइड।
ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ होती है। ये एम्बर लाइट की टर्न इंडिकेटर्स है, अगर आप अपर वेरियंट में जाते हैं तो ये वाइट कलर की मिलती है VXI मॉडल्स में। इसकी ब्लैक साइड मोल्डिंग है, बेस वेरियंट से ही आती है। यहाँ पे मून रॉक सिल्वर रूफ रेल्स भी मिलती है इस वेरिएंट में, LXI मॉडल में। यहाँ रियर डिफॉगर, रियर वाइपर विद वॉशर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।